गुड मॉर्निंग, वेलकम एट द ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन प्रोवाइडिंग पोर्टल ऑफ PCC प्राइड कोचिंग क्लासेस जौनपुर। माई सेल्फ योर न्यू मेंटोर ऑफ फिजिक्स विजय विश्वकर्मा। IIT नीट, TGT, PGT और 12th फाउंडेशन बैच के अपने विद्यार्थियों, रे ऑप्टिक्स हम लोग स्टडी कर रहे थे। इसमें TIR जैसे सुपीरियर फिनोमेना हम लोग स्टडी कर चुके हैं। अब पढ़ना है हम लोगों को रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस। इससे भी पहले एक छोटी हुई हेडिंग है, मैग्नीफिकेशन पर चर्चा हो रही थी, ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन और सुपरफिशियल या एरियल मैग्नीफिकेशन। तीन तरह के मैग्नीफिकेशन होते थे, जिसमें से अब तक हम लोग ट्रांसवर्स और लीनियर मैग्नीफिकेशन सीख चुके हैं। ट्रांसवर्स एंड लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीजिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। लीनियर मैग्नीफिकेशन में EML का जो फार्मूला होता है, दैट इज द LI/LO, लेंथ ऑफ इमेज बाई लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्नीफिकेशन कब एराइज होता है? जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के एलांग रखा जाए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रखा जाए। ट्रांसवर्स कब एराइज होता है? जब प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन रखेंगे तो ट्रांसवर्स। ये दो खास बातें हैं, माने ओरिएंटेशन पर बात है। एक खास बात जरा लिखिए नोट में, पहला ये मिरर है और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट रखा गया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसमें कौन सा मैग्नीफिकेशन एराइज होगा? EM। कौन सा मैग्नीफिकेशन? ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन होगा। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन के लिए शर्त है परपेंडिकुलर रखा जाए। अच्छा, परपेंडिकुलर अगर सही समझते हैं तो जरा इसको बताइए। देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस के मार्कर परपेंडिकुलर है कि ऑब्लिक है? परपेंडिकुलर, एकदम ठीक। आप बताइए प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर है कि नहीं? अब भी है कि नहीं? आप बताइए परपेंडिकुलर है कि नहीं? अब भी है, अब भी है, अब भी है। सीन समझ रहे हैं? यानी परपेंडिकुलर मतलब ऊपर ही नहीं, नीचे भी। परपेंडिकुलर मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में भी, इनवर्ड डायरेक्शन में भी। ये आप बताइए परपेंडिकुलर है कि नहीं? प्रिंसिपल एक्सिस साथ व्हाइट बोर्ड के प्लेन में नहीं मार्कर, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस साथ अभी 90 मेंटेन हो रहा है कि नहीं? यानी परपेंडिकुलर काफ़ी इसमें सुविधा है, कई डायरेक्शन में पॉसिबल है। तो ये सीन याद किए रहिए, जब हम एरियल या सुपरफिशियल मैग्नीफिकेशन सिखाएंगे उसमें पकड़ना रहेगा कि प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर है कि नहीं। रहेगा उसमें कौन सा मैग्नीफिकेशन जन्म लेगा? M। वहाँ पर कौन सा राइज होगा? स्मॉल M। दूसरा, लीनियर मैग्नीफिकेशन तब एराइज होता है, लीनियर वाला, जब ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस के एलांग रखा जाए, तब लीनियर। ऐसे लिटा करके इसकी लेंथ को LO बोल दे रहे हैं। जैसे इसकी हाइट को क्या बोल दें? HO। इसका इमेज थोड़ा इन्वर्टेड बन सकता है, इन्वर्टेड बनने के ज़्यादा चांस होते हैं, इन्वर्टेड बनने के मैक्सिमम चांस। एक केस में केवल सीधा बनता है, इरेक्ट बनता है, का जब ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर रखा जाए। इन्वर्टेड इसकी हाइट कितनी है? HI। तो यहाँ से M क्या लिखते हैं? यहीं लिख लीजिए बगल में, M क्या लिख देते हैं? HI/HO। और फाइनली और सॉल्व करने पर क्या आता है जी? -V/E। ऐसे हल्का हल्का नोट की रही, पढ़ना है सुपरफिशियल, लेकिन फिर से रैपिड रिविजन कर दे रहे हैं। चलिए, इसमें जैसे ये वाला इंड ए है, ये वाला इंड बी है, तो इस समय जो इसका इमेज बनेगा, एक इंड थोड़ा चौड़ा बन जाता है, वाइडर, एक इंड थोड़ा वाइडर बन जाता है। ये ए का इमेज इस तरफ बनेगा, दिस विद द ए डैश एंड दिस विद द बी डैश। इसकी लेंथ क्या है? LI, देख रहे हैं? तो यहाँ पर
कौन सा मैग्निफिकेशन? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। अच्छा, कल शायद फिगर में हल्की सी मिसिंग हो गई थी, तो इसका कौन सा एंड वाइडर होता है क्लोजर टू मिरर, मिरर के जो समीप होगा, है ना? तो कल वाले शायद उल्टा बना लिए थे क्या, तो उसको हल्का सुधार लीजिए। इसी पे क्वेश्चन करवाने चल रहे हैं तब और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर जैसे समझना हो तो EM क्या क्या फार्मूला है, LI/LO, और इसको जब सॉल्व करते हैं तो माइनस इसी पैटर्न का आता है, लेकिन डेल्टा यहाँ पर डेल्टा माइनस डेल्टा V/ΔE। ये चीज अच्छा, ऑब्जेक्ट बहुत स्मॉलर हो जाए तब के लिए नया फार्मूला फार इसी में शार्ट, नोट करिए फटाफट, शार्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट स्मॉलर हो, नोटेशन भाई यहाँ पर ML होगा ना जी, ML, शार्ट लीनियर ऑब्जेक्ट के क्या लिखते हैं, EML की जो वैल्यू होती है वो डिफरेंशियल फार्म में कन्वर्ट हो जाती है, और फाइनल वैल्यू क्या निकल के आती है, माइनस एम स्क्वायर आता है जी, केवल एम स्क्वायर आता है, और क्या लिख सकते हैं, V/U का स्क्वायर आता है, और क्या लिख सकते हैं, V/U है तो F-V/F का होल स्क्वायर, और कुछ लिख सकते हैं U के फॉर्म में, क्या लिख सकते हैं, F/F-U का होल स्क्वायर। अच्छा बाय द वे, अगर क्वेश्चन में जैसे कल कोई एक क्वेश्चन भेजा था ग्रुप पर, तो हमने देखा था उसमें ये वाला ऑप्शन ना दिखा जाए, दूसरा लिख दे, तो दूसरा लिख कर क्या लिख सकते हैं, F/U-F का होल स्क्वायर चल जाएगा, होल स्क्वायर चाहे A-B का हो चाहे B-A का होल स्क्वायर सेम होता है। तो सही तो यही निकाले हम लोग मेहनत से, अगर कहीं पर जैसे U- ऐसे लिख दिया जाए, ML इक्वल टू, जब होल स्क्वायर ही करना तो उसमें आगे पीछे कोई फर्क नहीं, F/U-F का होल स्क्वायर, तो कोई ऐतराज मत करिएगा, सेम चीज़ है कि नहीं, बोलिए भैया, एफ स्क्वायर मिल रहा है, चाहे F-U होल स्क्वायर करी चाहे U-F होल स्क्वायर करी, दोनों सेम होता है, चेक कर लीजिए ना, A-B होल स्क्वायर जो बोल रहे हैं जरा नोट करिए, A²+B²-2AB, और कोई B-A होल स्क्वायर लिखे तो B²+A²-2BA, वही चीज़ हुआ कि नहीं, मिलाई ये दोनों चीज़, सब चीज़ तो वही मिल रहा है, A-2AB-2BA वो भी सेम ही है। इसका मतलब नीचे अगर साइन अगर पलट दे U-F कर दे, ज़्यादा परेशान मत होइए अगर नहीं मिल रहा आपसे, ठीक है, आप भेजे थे भाई, ठीक। ये पूरा जो कल का रिजल्ट था ऐसे हम लोग हाफ पेज में से पूरा जल्दी से नोट कर लिए। हाँ, इसमें ध्यान देना है जैसे बुक वगैरह कहीं कोट नहीं किया गया है कि कौन सा एंड वाइडर होता है ना, लीनियर मैग्निफिकेशन हल्का फुल्का जिक्र है, नहीं तो वो भी नहीं है, तो आप खूब अच्छे तरीके से जान लीजिए, लीनियर मैग्निफिकेशन में लेंथ तो घटती बढ़ती ही है, साथ ही साथ उसका माउथ भी एक ठो बड़ा हो जाता है, वाइडर, कौन सा माउथ क्लोजर होता है, तो अपना याद की रेमन में, विच इज क्लोजर टू मिरर, जो मिरर के नज़दीक होगा वो माउथ चौड़ा हो जाता है ना। अब इसी पर लीजिए एक क्वेश्चन लगवाते हैं, एक क्वेश्चन सुपरफिशियल भी सीख लिया जाए क्या, तीसरा वाला सुपरफिशियल सीखते हैं, हेडिंग डालिए सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, ये आज की एक्चुअल हेडिंग चलने जा रही है, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन। आज की जो वीडियो की क्वालिटी होगी उस हर रोज़ से सबसे अच्छी होगी, सबसे अच्छी। इसमें एक नया कैमरे की सेटिंग है, ओपन कैमरा एक होता है, तो सॉफ्टवेयर हमने लोड करवाया है, हालांकि काफ़ी महंगा आता है,
तो वो सॉफ्टवेयर हमने प्ले स्टोर से मंगाया है उसको और उसमें सेटिंग होती है स्क्रीन लॉक की। स्क्रीन लॉक करने पर जो कैमरा के जो जूम इन जूम आउट होता है वो रुक जाता है, बोर्ड की फोकसिंग एकदम सही एकदम क्लियर रहेगी। हमारे चेहरे में हल्का फुल्का तनाव खिंचाव रहेगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं, आवाज़ तो सुन ही रहे हैं, देखना आपको बोर्ड को है। चलिए आज वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, इसका आनंद खूब मिलेगा आपको। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन क्या है? सुपरफिशियल को और किस नाम से बोल सकते हैं? एरियल। इसमें एरिया में इंक्रीज डिक्रीज होता है। सुपरफिशियल के लिए जैसे मिरर हो, मिरर के सामने ऐसे हाथ का पंजा ऐसे दिखाएं इस तरह से, ये क्या है? पूरा एरिया हो गया ना। कोई मार्कर दिखा रहा है, कैंडल जला रहा है, तो उसमें लेंथ है, लेंथ परपेंडिकुलर है तो ट्रांसवर्स, लिटा दिए तो लॉन्गिट्यूडनल। लेकिन अगर कोई एरिया वाला ऑब्जेक्ट लिया, जैसे कॉपी ले लीजिए, बुक ले लीजिए, कोई छोटी अपने मोबाइल फ़ोन लेकर के ऐसे दिखाइए आप, तो उसका भी तो फिगर बनेगा, उसका भी तो इमेज बनेगा, छोटा या बड़ा, उसके एरिया पे कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए बस यही है गवर्निंग वाला मेन यही हेडिंग है सुपरफिशियल। एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ता है? जैसे ये ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट लेंथ यल है, ब्रेथ बी है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट कैसे रखा गया है? परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्स, ऐसे रखने का प्रयास किया। तो इसका इमेज यहां कहीं बन जा रहा है, ये इमेज का सीन है। इमेज इसकी लेंथ कितनी हो गई, कुछ बदल गई, ब्रेथ कितनी हो गई, ये भी थोड़ी चेंज हो गई, डैश डैश लगा दिया। इसका जो एरिया होगा उसको क्या लिखेंगे हम लोग? AO एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका जो एरिया होगा उसको AI एरिया ऑफ इमेज, यही है। लिख देते हैं EMS क्या लिखेंगे, पहले किसका, पहले ऊपर इमेज का होता है कि ऑब्जेक्ट का? इमेज का, एरिया ऑफ इमेज। और डिनोमिनेटर में एरिया ऑब्जेक्ट। अच्छा, एरिया ऑफ इमेज AI से मार्क करें और इसको आप AO से मार्क करें, ये हो जाएगा AI बाई AO। और एरिया ऑफ इमेज निकाला जाए, सिंस AO क्या होगा, एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट लेंथ इंटू ब्रेथ, हो गया कि नहीं, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आप बताइए लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस परपेंडिकुलर है पैरेलल? परपेंडिकुलर। तो यल डैश बाई यल को क्या कर सकते हैं? स्मॉल एम, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। बोलिए, यहाँ पर ये तो ए नॉट हो गया। आल्सो अगर लेंथ का रेशियो लिया जाए, लेंथ हाफ इमेज बाई लेंथ हाफ ऑब्जेक्ट, तो उसको ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन बोल सकते हैं। तो यल डैश कितना हो जाएगा? यम यल हो जाएगा। बोलिए, इसी तरह सिमिलरली बी डैश, बी वाली साइड बताइए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है परपेंडिकुलर? वो भी परपेंडिकुलर, वो भी परपेंडिकुलर है। मैंने ऐसे रखे हैं, ये यल है और इधर वाला बी, तो बी भी परपेंडिकुलर पड़ रहा है प्रिंसिपल एक्सिस के। यानी बी डैश बाई बी क्या लिख सकते हैं आप? यम लिख सकते हैं। बी डैश बाई बी को क्या लिखेंगे आप? यम लिख देंगे। बी डैश क्या हो जाएगा? इसी तरह बी डैश को भी क्या लिख सकते हैं? यम इंटू बी लिख सकते हैं। नोट करिए, तो ऊपर लिख दे रहे हैं।
यहाँ लिख दे रहे हैं, L डैश हो गया आपके लिए M इंटू L। सिमिलरली इसी तरह B डैश को क्या लिख सकते हैं, M इंटू B। अब आप बताइए एरिया ऑफ इमेज क्या होगा, AI इसका एरिया क्या होगा, इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है L डैश, ब्रेथ कितना है B का डैश, तो लेंथ कितना एम एल लिख दें और इसको एम बी लिख दें, क्या आया एम स्क्वायर और इंटू एल बी। बोलिए ये हो गया ए आई, दिस विद द इक्वेशन नंबर 3। नाउ एम एस क्या लिख दें, एम एस माने इक्वेशन 1 वाला, ए आई एम स्क्वायर एल बी है और ए ओ केवल और केवल एल बी है, क्या आया सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन ट्रांसवर्स का ठीक ठीक स्क्वायर आता है, एकदम एग्जैक्ट देख रहे हैं। और एम एल भी एम स्क्वायर आता था लेकिन हमेशा नहीं, वो शॉर्ट लीनियर के लिए सही था और एम एस एकदम पूरा पूरा एग्जैक्ट आता है, याद रखिएगा। एम एल भी एम स्क्वायर हो सकता था लेकिन फॉर्मली स्मॉलर ऑब्जेक्ट, शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट, नोट करिए इस बात को। नोट हो गया, चलिए अब एम स्क्वायर आ गया तो एम के तो कई फार्मूले आपको याद है, विच इम्प्लाइज अपना याद किए रहिए, ये ऑलवेज ट्रू है और एम एल इक्वल टू एम स्क्वायर ऑलवेज ट्रू नहीं है, वो फार्स ओनली शॉर्ट लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए ट्रू है। एम एस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, और क्या लिख दें, वी बाई यू का स्क्वायर लिख दें, और क्या लिख सकते हैं, एफ माइनस वी बाई एफ का होल स्क्वायर लिख दें, बोले और क्या लिख दें, एफ बाई एफ माइनस यू का, इतने फार्मूले आ गए ईएमएस के, सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन के। नोट हो गया, अब एक क्वेश्चन देखिए, कल नीट आईटी का टेस्ट होगा 12 से 3 और मंडे को पीएचडी पीएचडी वालों का टेस्ट होगा 10 to 1 10 से 1 तक, और उसके पहले रेगुलर क्लासेस चलती वैसे चलेगी मंडे को। लीजिए एक प्रॉब्लम है, इनका क्वेश्चन जरा देख लीजिए, ए और बी करके दिया था, ए क्या दिया था क्वेश्चन में, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बी था, अच्छा और फोकल लेंथ, या जरा पढ़ दीजिए क्वेश्चन पढ़ दीजिए, है पढ़ दीजिए पूरा पढ़िए फट से।
डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर क्या है, डिस्टेंस क्या है, यू, फोकल लेंथ एफ है, बस खाली लेंथ वही बी कहाँ है। अच्छा लास्ट और पढ़िए पूरा, अच्छा येलो दिया है क्वेश्चन में बी, और फोकल लेंथ कोई फर्क नहीं और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू ही, एल आई पूछा गया है, ये इनका क्वेश्चन है। एल आई की वैल्यू डायरेक्ट लिखिए, येलो इंटू एम स्क्वायर, एम स्क्वायर मतलब एम, अब देखिए एफ और यू के फॉर्म लिखे थे क्या लिख देंगे, एफ बाई एफ माइनस यू का होल स्क्वायर ऐसा आया हो, या फिर एल नॉट एफ बाई यू माइनस एफ आया है भाई, नोट करिए वही कल वाला क्वेश्चन है, वैसे देखिए कितने आराम से लग जा रहा है। सोल्यूशन है वही आधे लाइन का आंसर, ऐसे फट से लगा दिए, पता था हम लोगों को शॉर्ट लीनियर बोला है वही फार्मूला लगा दी, नोट हो गया एक ठोक शॉर्ट, लेकिन जब कहा जाए मुंह से तभी आप लोग लगाएंगे, शॉर्ट ना कहा जाए अगर ऑब्जेक्ट की लेंथ दे दिया जाए तब उसको शॉर्ट वाला फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे, तब उसको मैनुअल एकदम ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ एफ बाई थ्री, ऑब्जेक्ट की लेंथ क्या है, फोकल लेंथ का वन थर्ड है, यह फोकल लेंथ है, लेकिन उसी टर्म दे रहा था अभी नोट करिए, इज प्लेस्ड along the principal axis of a concave mirror having focal length f, कहाँ रखा गया है ये नहीं बताया गया, बस येलो दिया गया एफ बाई थ्री और फोकल लेंथ एफ है, यू की वैल्यू नहीं बताया गया, लेकिन किस तरह से रखा गया उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा की जा रही है। फोकल लेंथ एफ इन सच अवे सो दैट वन एंड ऑफ इनलार्ज माने वही बड़ा जो बनता है, वन एंड ऑफ इनलार्ज इमेज टचेस द rod, one end of enlarged image touches the rod, rod को छू रहा है, image उसका उसी rod को छू रहा है, full stop, calculate length of image एज वेल एज लीनियर मैग्निफिकेशन। अच्छा क्वेश्चन, अतुल आपका थर्ड रैंक था भाई इस बार वाले में, आइए आपको भी नाम दे दें, कॉपी ले आइए अपनी, कल फिर टेस्ट है।
टॉपिक में कोलिजन बिल्कुल नहीं आएगा, कोलिजन नहीं आएगा, केवल ही जो आप पढ़ रहे हैं यही आएगा आज तक के लेक्चर का। आइए भाई, इनके लिए भी ताली हो जाए, ताली इनके लिए बजा दीजिए एक। चलिए ठीक, देखिए सलूशन पे आइए। इलेवेंथ वालों को शाम को दिया जाएगा। इलेवेंथ वाले आप कितना था भाई, कितना था भाई, कोई बताओ एक ठो, अभी को नहीं बताओगे तो वही हाल हो गई। हम गए थे वाइवा लेने के लिए, हमने पूछा चलो टाइम पीरियड एडमिशन बताओ, गर्ल्स इंटर कॉलेज था, तो कही सर टाइम पीरियड डेफिनेशन वो प्रैक्टिकल वाला बताएं कि बुक वाला बताएं। तो जैसे आप लोग मुस्कुरा रहे वैसे हमको भी इससे हंसी आ गई। हमने कहा कि अच्छा कोई बता दो, कहे सर एक्चुअली आता नहीं है, याद नहीं। पहले तो टू वे दिखाया कि भाई इसमें या इसमें, फिर उसके बाद एक यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं है तो मार्क की बात है, इनको याद है। चलिए कितना था ये नहीं, इससे नहीं मतलब है, फर्स्ट रैंक आपका था, सेकंड वाले कौन था, सेकंड वाला याद है। चलिए चलिए वो लिस्ट रखी होगी वहाँ पे। हाँ इसका जरा देखिए आप, अच्छा क्वेश्चन है और ये वही क्वेश्चन लगा पाएगा जिसको वास्तव में लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में जानकारी होगी, और लोग नहीं लगा पाएंगे। और एक छोटी सी बात आपको पता होगी तो और जल्दी काम हो जाएगा, जैसे ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ ये कर्वेचर है, ये तो मान लीजिए पोल है, तो सेम पोजीशन पर बस एक ही सूरत में बनता है इमेज, जब कहाँ रखा जाए सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, उतना ही बड़ा उसी प्लेस पर इन्वर्टेड इमेज फार्म होता है। ये सी पर रखा जाए तभी उसका ऑब्जेक्ट इमेज जो है सी पर ही बनेगा, समझ गए। इसका मतलब एक इंड जो छू रहा है तो इसका मतलब ये हो गया कि वो इंड वो पोर्शन सी पर पड़ रहा होगा, जान लीजिए टेक्निकल क्वेश्चन है, बहुत अंदर की बात है। तो इसी कॉन्सेप्ट के इस्तेमाल करके यहाँ पर प्रॉब्लम हम लोग तोड़ते हैं। सीन को जरा समझिएगा, दिस विद द पोल और ये ए है और ये बी है, ए बी का इमेज कैसे बनता है, ऐसे इस तरह से बनता है। बोलिए ये इंड कौन सा होता है, ए होता है कि एक डैश, एक डैश जो सबसे दूर होता है वो सबसे पास आ जाता है, परवर्जन की फिनोमेना होती है, परवर्जन की। और ये बी वाला यहाँ आ जाएगा, बी का डैश तो टच करना है, इनलार्ज इमेज, इनलार्ज वाला कौन सा है, ए डैश है कि बी डैश है, ए डैश वाला छुएगा, और छूने का मतलब ऐसे टच करा दें, ऐसे टच करा दें, ऐसे इसको छूना नहीं कहते, तो ओवरलैपिंग हो गई पूरी, है कि नहीं। छूना मतलब पर्टिकुलर एक पॉइंट पर टच करे बस, इसका मतलब ए डैश रहेगा ऐसे ही, लेकिन ना तो यहाँ बनेगा ना तो यहाँ बनेगा, ये तो बिल्कुल नहीं छू रहा, ये नहीं चल पाएगा भाई, ये छू तो रहा है लेकिन ओवरलैपिंग जैसा सीन हो गया, काफ़ी हद तक काफ़ी पूरी लेंथ इसकी टच में आ गई। तो आप समझ गए होंगे आप लोग क्या करने वाले हैं, ये इधर बनेगा ऐसे, समझ रहे हैं, ये वाला इसका सीन हो, ये वाला इंड ए का डैश है और ये वाला आपके लिए बी का डैश, सीन ऐसे बना लीजिए। इसकी लेंथ कितनी है जी, ऑब्जेक्ट की लेंथ, अच्छा इसकी लेंथ है एफ बाई थ्री, एफ बाई थ्री। आप बताइए कौन सा पॉइंट ए बी में से कौन सा पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर पड़ रहा है, ए वाला, त
तभी तो उसका एड्रेस नीचे बना उसी पर बना दिया। फिर नहीं तो यहां से हम पूछ रहे हैं, जरा बताइएगा यूए कितना, यूए टू आर टू एफ लिख दें, यूए ए पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी भाई, सी माने फोकल लेंथ डबल, सी का मतलब क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पोल्स में रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है ये टू एफ है कि नहीं। अरे यू ए का मतलब हो गया टू एफ और साइन आपका यही निगेटिव। यू बी बताइए, यू बी बी वाले के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या होगी, बी वाले के लिए टू एफ ऐसे मार्क कर दें, एक टुक मार्क ही कर दें, ए एंड ए डैश मस्ट बी एट सी, ये खास बात है इसको नोट कर लीजिए। अच्छा तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा, ये डिस्टेंस पूरी हो गई फोकल लेंथ के डबल यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो बी वाले डिस्टेंस देखिए 2f में से तो f बाई थ्री सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2f माइनस f बाई थ्री, लेकिन साइन कन्वेंशन हम लोग याद है होल में माइनस लगाना पड़ेगा, इधर अपना नॉर्मल कैलकुलेशन वाली टेक्निक है बाहर माइनस लगा दिया, क्या लिख देंगे 6 और ये 5f बाई थ्री लिखते चलेगा, ये हो गया आपके लिए बी पॉइंट के लिए ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। अब VA, VA means A पॉइंट का इमेज जहाँ बन रहा है, A पॉइंट की इमेज कहाँ बन रहा है, फिर से 2F पर, और इसी तरफ बन रहा है लेफ्ट साइड ही, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट जिधर चलेंगे आप अपोजिट मेजर कर रहे हैं माइनस 2F। VB नहीं पता भाई, वो पता हो जाता तब तो सब्ट्रैक्ट कर लेता लेंथ आ ही जाता, A और A डैश सेम पोजिशन बन रहे हैं, बस यही B डैश कहाँ बन रहा है ये डिस्टेंस पोल्स मेजर हो जाता, फिर दोनों डिफरेंस ले लेते तो लेंथ आप ही में जा जाता है कि नहीं। क्वेश्चन छोटा सा है, अब आप लगाइए मिरर फार्मूला, बाय मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला क्या है, बीच में प्लस के माइनस प्लस होता है, वन बाई वी प्लस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ, और सब बी पॉइंट के लिए लिख रहे हैं, बी पॉइंट के लिए, बी बी पॉइंट के लिए लिख दिया, बताइए B पॉइंट के लिए इमेज की डिस्टेंस नहीं पता तो बना रहने दीजिए, क्या दिक्कत है, और यू बी कितना है देख ही रहे हैं आप, यू बी आपके लिए माइनस फाइव बाई फाइव एफ बाई थ्री है, पलट जाएगा थ्री बाई फाइव एफ करने चलेगा, चलिए, और एफ बी कितना है फोकल लेंथ B के लिए, तो ये आपके लिए माइनस वन बाई एफ करने चलेगा, फोकल लेंथ चाहे A के लिए हो चाहे B के लिए, फोकल लेंथ मिरर को ही रहे एफ ही, और कान क्यों है इस वजह से माइनस एफ लिया, बोलिए पुलिया पार कराइए, इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, क्वेश्चन तो हटा दें, क्या आ जाएगा भाई, वन बाई वी बी इक्वल्स टू थ्री बाई फाइव एफ, पॉजिटिव साइन साथ हो गया, माइनस वन बाई एफ, तो वन बाई वी बी कितना, ये तो फाइव एफ रहेगा ही एलसीएम इसका, और यहाँ थ्री रहेगा, और ये आपके लिए फाइव हो गया, क्या आया माइनस टू बाई फाइव एफ, वी बी की वैल्यू हो गई माइनस फाइव एफ बाई टू, ये इम्पॉर्टेंट बात है। नाउ एल आई क्या होगा, लेंथ ऑफ इमेज, लेंथ ऑफ इमेज आप बताइए क्या लिख दें, वी वी बी माइनस वी ए लिख दें, वी बी माइनस वी ए, भाई यहां से देखने पे बी वाले की इमेज दूर बन रहा है ए वाले के पास, साइन कन्वेंशन के ही साथ लिखा जाए तो वी बी माइनस फाइव एफ बाई टू, और वी ए वी आपके लिए माइनस टू एफ, तो प्लस हो जाएगा टू एफ, ये आपके लिए ढाई है और ये टू है, क्या आ गया एल आई, एल आई की वैल्यू आ गई आपके लिए माइनस एफ बाई टू, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है,
लेंथ नेगेटिव होने की मीनिंग क्या है, इमेज भी रियल, इमेज कैसा बन रहा है रियल, और इन्वर्टेड भी है, प्रिंसिपल एक्सिस नीचे बन रहा है, रियल एंड। अच्छा कोई आपसे पूछे भाई कि बताइए लेंथ कितना है, आप आंसर में क्या लगाएंगे, f बाई टू, लेंथ कितना है f बाई टू ही है, फिर नेगेटिव साइन क्या सब करा, रियल और इन्वर्टेड बिहेवियर, आंसर में f बाई टू ही क्लिक करना है। अब देखिए मैग्निफिकेशन जरा निकालिए, तो लीनियर मैग्निफिकेशन की भी डिमांड किया गया था, लीनियर मैग्निफिकेशन EML क्या होगा, शार्ट लीनियर ऐसा एक भी बार नहीं कहा गया, आप जनरल फार्मूला लगाइए ना, LI बाई येलो, तो LI आपके लिए माइनस एफ बाई टू और येलो आपके लिए एफ बाई थ्री, एफ बाई थ्री, एफ से एफ कैंसिल हो गया माइनस थ्री बाई टू, यानी ML इक्वल टू माइनस 1.5, ये आ गया आपके लिए ML, नोट करिए इस बात को। इमेज की लेंथ आ गई f by 2 और लीनियर मैग्निफिकेशन हुआ माइनस 1.5। मिरर का टॉपिक समाप्त हुआ। अब आपको ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन में रख करके इमेज फॉर्मेशन की टेक्निक सिखाते हैं, थोड़ा सा चित्रकारी में आपका हाथ मजबूत करते हैं, कैसे फिगर बनाया जाए, हल्की हल्की चीजें और बची। हो गया। अच्छा इन्फिनिटी से अगर रेज आती हैं, इन्फिनिटी से रेज आने का मतलब कैसी रेज है, पैरेलल, तो पैरेलल रेज कहां पर फोकस होती हैं, कहां पर मिलेंगे फोकस पर, है ना, या उल्टा फोकस पर कोई छोटा सा बल्ब जला दिया जाए उसका उल्टा फोकस पर बल्ब जलेगा तो रेज रिफ्लेक्ट होकर के पैरेलल हो जाएंगी, पैरेलल आती हैं तो फोकस से जाएंगी, पैरेलल आने वाली रेज किधर जाएंगी, फोकस से, और उल्टा फर्मिट का प्रिंसिपल, अगर फोकस से ही रेज चले तो पैरेलल हो जाएंगी, और इसी प्रिंसिपल का यूज करके हम लोग टार्च में इस्तेमाल करते हैं, है ना, जो टार्च होता है, टार्च में बल्ब कहाँ जलाया जाता है, उसका रिफ्लेक्टर जरा देखिए, रिफ्लेक्टर किस शेप का है, टार्च के जो बल्ब का रिफ्लेक्टर होता है, रिफ्लेक्टर कॉनकेव शेप का होता है, गहरा होता है, अंदर पॉलिशिंग होती है, चमकदार होता है, बल्ब किस पोजीशन पे वहां पर जलाया जाता है, पोल पर कि फोकस पर, फोकस पर, पोल तो मान एकदम टच में रहेगा, एकदम अंदर नहीं होता है, है ना, कुछ पहले होता है, और नॉर्मली इस समय की जो आ रही है, जो कटोरी आ रही है वो स्फेरिकल नहीं होती है, वो काफी गहरी रहती है, काफी गहरी पैराबोलिक होती है, कैसी होती है, पैराबोलिक, और पोल तो इसका भी यही होता था, यहाँ बल्ब नहीं जलता, उसमें करते क्या है, कुछ पोर्शन एकदम बिल्कुल यहाँ पर आगे आकर एकदम फ्लैट रहता है, अब फ्लैट रहेगा तो हे यहीं पर बल्ब जला देंगे, और यही सही पूछे तो यही फोकस पोजीशन होती है, यही फोकस पोजीशन होती है, देख रहे नहीं, क्योंकि पीछे अभी बढ़ना था ना, पीछे पिछला हिस्सा गायब है, क्या मतलब है, पिछले से क्या मतलब, फोकस बल्ब जलना चाहिए, एकदम अंदर टच में नहीं जलाते, थोड़ा सा इधर, है ना, यानी जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इस्तेमाल करते हैं टार्च में, स्फेरिकल रिफ्लेक्टर नहीं होता है, पैराबोलिक, किस शेप का, कॉन्वेक्स शेप का, कॉनकेव, कॉनकेव शेप का ही, लेकिन उसमें बल्ब को कहाँ पर हम लोग जलाते हैं, फोकस पर, कहाँ पर, फोकस पर जलेगा तो वहां से रेज टकरा करके सब पैरेलल हो जाएंगे, है ना, उसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं। लीजिए क्वेश्चन लिखते हैं, एक प्रॉब्लम,
कॉनकेव मिरर की मदद से एक इमेज बना रहे हैं सन का। कॉनकेव मिरर अगर लिया जाए तो सन का इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? सन काफ़ी दूर है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज फोकस बनेगा। और फोकस बनेगा तो उसका इमेज कितना बड़ा बन रहा है उसकी साइज का डिस्कशन करने चल रहे हैं। और छोटा सा क्वेश्चन एकदम सेट, उसको तो लोग याद रखते हैं। एक्चुअल सन की साइज नहीं, इमेज की साइज। इफ फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर बी स्मॉल एफ, देन फाइंड आउट डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन, एंड फाइंड आउट डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन, वेयर एज सन सबटेंड एन एंगल थीटा टू द, कहाँ बनाता है? एट द पोल ऑफ मिरर, मिरर के पोल पर थीटा एंगल बना रहा। ऑप्शन लीजिए, दो चीजें दिया गया, फोकल लेंथ दिया गया और कितना एंगल बना रहा है, थीटा सॉरी एफ बाई थीटा, एफ इंटू थीटा, थीटा बाई एफ। ये थीटा और एफ से कोई मतलब नहीं, कोई नया वाला आंसर। डायमीटर बताना है, रेडियस नहीं पूछा, एरिया भी फिलहाल बता सकते हैं अगर डायमीटर पता हो गया तो। डायमीटर पहले हाफ करके रेडियस निकाल लीजिए, पाई आर स्क्वायर कर दें तो एरिया आ जाएगा। कौन सा आंसर? एफ इंटू, सोच लीजिए क्योंकि अभी और भी दो ऑप्शन बचे हैं, आप दीज भी। अच्छा, इसमें करना क्या है? कोई खास बात नहीं, आपको फार्मूला लगाना है एंगल का। एंगल इक्वल टू क्या? आर्क बाई, बस देखिए ये सब मोस्ट एक्यूरेट वाले रिजल्ट नहीं है, लेकिन इसको सीखना पड़ता है। 100% एक्यूरेसी नहीं रहती, लेकिन फिर भी इसको जानना पड़ता है भाई। अप्रॉक्सीमेशन में सन से जो रेज आ रही है वो पोल पर थीटा एंगल सबटेंड कर रही है। ये एंगल कितना है जी? टोटल थीटा है, ये क्यों थीटा नहीं, टोटल थीटा दोनों रेज की थी, ये पूरा एंगल थीटा है, ये पूरा एंगल थीटा। और कहाँ पर ये फोकसिंग कहाँ पर होगी? फोकसिंग होगी जैसे ये फोकस है, यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन। और ये पूरा क्या है जी? यही क्या है? डायमीटर इसका। यही सन का इमेज बनेगा। और सन की इमेज कहाँ बनता है? वह फोकस पे, ये यंग डिस्टेंस ही हो गए। तो सिंस एंगल को बेसिक वाला रिजल्ट लगाइए, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, तो एंगल पूरा टोटल थीटा बन रहा है, आर्क रोल यही डी कर रहा है। हाँ सही है भाई, बी वाला करेक्ट है।
डी कर रहा, और रेडियस क्रोल, रेडियस क्रोल यही एफ कर रहा है, तो डी कितना आ जाएगा, एफ इंटू थीटा। कौन सा आंसर? और थोड़ा सा एडवांस में जानिए, ये तो हो गया, काम हो गया, जो पूछा गया तो हो गया। रेडियस जरा बताइए क्या होगा, रेडियस क्या होगा, बोलिए, एफ थीटा बाई टू। एरिया पूछा जाए तो एरिया बता दीजिए, दो एडवांस लिखिए, एरिया क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर करेंगे तो पाई, हाँ एफ स्क्वायर अब बाई, चलिए दो ठो एक्स्ट्रा चीज है, एक्स्ट्रा चीज आप जानते रहिए, ये पूछा नहीं गया, बाई भी पूछा जाता तब तैयार रही ना, अगर इमेज का एरिया पूछा जाए तो पाई एफ स्क्वायर थीटा स्क्वायर बाई फोर आप लिखेंगे, पाई बाई फोर करके ऐसे अच्छे से लिख दीजिए, पाई बाई फोर एफ स्क्वायर इंटू थीटा का स्क्वायर, समझ में तो आ ही रहा होगा। अच्छा, सन का इमेज कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनेगा कि सर्कुलर बनेगा, सर्कुलर बनेगा, कैसा बनेगा, है तो सन थ्री डायमेंशनल स्फीयर के शेप, लेकिन मिरर लेंगे तो टू डायमेंशनल में ही कन्वर्ट कर देगा, इसीलिए पाई आर स्क्वायर लगाए, नहीं तो कोई दिमागदार लोग तो कहते भाई फोर पाई आर स्क्वायर लगाइए, किसी फोर नहीं लगाया ना। आज बहुत आराम आराम से बहुत अच्छी अच्छी चीजें हम लोग सीख रहे हैं, कूल माइंड से। नोट कर लीजिए, लिख लिए हैं, चलिए एक आध छोटा क्वेश्चन हो गया, मिरर का टॉपिक पूरी तरह से इंड हो गया, समाप्त हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस, और इसी के साथ में लेंस की स्टडी किया जाएगा, और जैसे ही लेंस स्टडी हम लोग कर लेंगे फिर उसके बाद लेंस से बनी हुई डिवाइसेस, लेंस लगा है हम लोगों के आई में, आँख में भी, तो ह्यूमन आई भी पढ़ लिया जाएगा, लेंस टेलीस्कोप में लगा है, माइक्रोस्कोप में लगा है ना, ये तमाम डिवाइसेस भी पढ़ना शुरू कर देंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और जब ह्यूमन आई में पढ़ेंगे तो उसमें डिफेक्ट भी पढ़ लिया जाएगा, डिफेक्ट कितने तरह के, दो, कौन कौन सा, हाँ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, ये क्लिनिकल वर्ड है, मायोपिया को और क्या बोलते हैं, नियर साइटेडनेस या शॉर्ट साइटेडनेस, और हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस है ना, या लॉन्ग साइटेडनेस, दूर दृष्टि दोष देहाती बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष, मायोपिया निकट दृष्टि दोष कहते हैं, दोनों में बार बार पिया का नाम आता है, किसका नाम आता है, हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया, अब पिया बहुत गवई शब्द है, बहुत ग्राउंड लेवल है ना। अच्छा, ऐसे शब्द जैसे ये सब भी शब्द हैं हिंदी की शब्दावली, लेकिन सुनने में कहने में बड़ा शर्म आता है, जैसे हमको बहुत शर्म आ रहा है देख, लीजिए, और इसको बायो वाले गुरुजी पढ़ाते हैं, शर्मा सर पढ़ाते हैं हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया, इसमें पूरा कोट कर देते हैं, पिया नहराई गई,
उसका हेडिंग रहता है सर का, हाइपरमेट्रोपिया है मायोपिया। भाई दिखाई नहीं दे रहा, उन्हीं बारे में बड़े दुख के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। लीजिए एक क्वेश्चन हो जाए, तगड़ा सवाल थोड़ा। अब हल्के फुल्के प्रॉब्लम्स निजात मिल गई है, बड़े अच्छे वाले हाई फाई क्वेश्चन करने हैं। ये डेंसर मीडियम, ऊपर कौन सा मीडियम है जी, रेरर। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। यहाँ पर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, जरा समझिएगा सीन को, समझिए बहुत टेक्निकल चीज़ है। रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है और कितने एंगल पर इंसिडेंट हुई है यही हमको नहीं पता, यही तो नहीं जानते। अच्छा कुछ और बातें बताइए, कितने एंगल पर इंसिडेंस हुई है नहीं पता, लेकिन ये डेंसर में आएगी तो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स नॉर्मल, और इधर थोड़ा सा पार्शियल रिफ्लेक्शन भी हो रहा है। पार्शियल रिफ्लेक्शन यानी रे ऑफ लाइट दो पार्ट में ब्रेक हो गई, कौन कौन सा, ये तो इंसिडेंट है, इंसिडेंट, और ये कौन सी है, रिफ्लेक्टेड है, और ये हाँ रिफ्रैक्टेड, और कोई नाम जानते हैं क्या, ट्रांसमिटेड भी कह सकते हैं, पार की है तो ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिटेड। तो ये क्वालिटी से लेस है कि रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड दोनों परपेंडिकुलर इमर्ज हो रहे हैं 90 डिग्री फ्रेम करते हुए। बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या रहा, गजब का क्वेश्चन, नोट करिए। अकॉर्डिंग एज फिगर इफ इंसिडेंट रे स्प्लिट्स इंटू टू पार्ट्स, स्प्लिट में टूट जाना, जैसे वाटर टैंक है पानी टंकी, उस पर टार्च आप जलाइए अंदर भी लाइट जाती है, चीजें क्या गिरी हैं दिखाई देंगी, अब कुछ पार्ट ऐसे लौट भी जाता है सीलिंग में छत में भी दिखाई देगा, मन नेचुरल फिनोमेना डिस्कस कर रहे हैं, अब खूब पढ़ लिख के खाली हो गए, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों को साथ एक साथ ले लिया, स्प्लिट्स इन टू टू पार्ट्स सच दैट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, और कैसा, पार्शियल के 100% पार्शियल रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्लेक्टेड, भाई 100% आ रही थी इंसिडेंट, उसी ने कुछ लौटा कुछ अंदर गया, दोनों पार्शियल बोल सकते हैं, पार्शियली रिफ्लेक्टेड एंड पार्शियली रिफ्रैक्टेड रे। इमर्जेज आउट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो पता लगाइए, फुल स्टॉप, फाइंड आउट एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या गजब क्वेश्चन है भाई, आई के लिए इतना बड़ा प्रोग्राम रचा गया है, आई एस्टिमेट करना है इसमें। पहला ऑप्शन साइन इनवर्स N1 by N2। सेकेंड ऑप्शन टैन इनवर्स N1 by N2। थर्ड ऑप्शन cot inverse N1 by N2। फोर्थ ऑप्शन sin inverse N2 by N2।
ऐसे ही ऑप्शन दिया गया था, माने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू, आपको कोई एंगल नहीं दिया गया, बस बताया गया रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड परपेंडिकुलर इमर्ज हो रहे हैं। कौन सा बी सी वाला? बी और सी में अभी बात फंसी हुई है। जब सबका आंसर एक ही आ जाता तो हम सवाल न लगाते, जितने लोग उतने आंसर, इसलिए सवाल लगाने की जरूरत है। आंसर भी एक ही होना चाहिए, आंसर अलग अलग आ गए। बताइए कुछ ऐसा ही आज कह दीजिए, यानी कोई रोक टोक नहीं है, जो मन में आए कह दीजिए। बताइए क्या कह रहे हैं, सी खाली, मैंने इतना लंबा छूट दिया, खाली सी एक वर्ड बोल रहे हैं, कह तो रहे एकदम, कोई रोक टोक नहीं, जो मन में हो कह दो, एकदम उगल दो पूरी बात कर। और बताइए, चलिए वैष्णवी बताइए कुछ बोलो, एकदम छूट है। किसी टॉपिक पर कोई भी बात, जो भी एकदम मन का मलाल हो एकदम दूर कर लीजिए, बोलो क्या कहना है। बस बी। बताइए भाई, बताओ जी। आप बताइए कुछ, मुंह खोलिए है ना, बोलिए, अब चुप मत रही, बहुत हो गया, मुंह खोल दीजिए, मास्क हटा बोलिए। सी लीजिए। हाँ देखिए, सही बात यह है, बी और सी में से कोई एक ऑप्शन है ना, साइन के फॉर्म नहीं आता, टैन आता है या काट, टैन आता तो काट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये टैन और काट के सिमिलर आंसर तो है नहीं। अगर काट इनवर्स लिखा गया था एन टू वाई एन, तब तो दोनों सेम चीजें थी, है कि नहीं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए जरा सोल्यूशन इसका, समझिए बारीकी से। ये एंगल को सपोज कर लिया आई, ये एंगल भी कितना होगा बोलिए, कितना होगा, क्यों, क्योंकि रिफ्लेक्शन में सेम होता है, लेकिन पार जाने में तो भाई कुछ अपना दूसरा होगा, इसको आर बोल दिया हम, है ना, चलिए इसको आर बोल दिया, लेकिन एक खास बात और, ये दोनों 90 भी तो हैं बोलिए, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन वन है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन टू। आप बताइए स्नेल्स रूल लगाइए, बाय स्नेल्स ला, स्नेल्स ला, स्नेल्स ला से एन वन और एंगल कितना बन रहा है इस मीडियम में आई, इधर एन टू कितना एंगल बन रहा है भाई, नॉर्मल इसमें जब किया जाता है, तो चलिए एक क्वेश्चन लिख दिए तो छोड़ दीजिए। आल्सो ज्योमेट्री की मदद लीजिए, नॉर्मल है, नॉर्मल के एक तरफ एंगल कितना 180 होगा, एक तरफ वाला एंगल सला कवर करिए, आई है प्लस 90 है और प्लस और इक्वल टू मिलकर के 1, तो आप बताइए आई प्लस आर कितना, 90 ले जाकर सब्ट्रैक्ट करिए 90, हमें आई निकालना है, आई को मत निकालिए नहीं तो आर मिलने लगेगा, आर निकाल लीजिए 90 माइनस आई, ऐसा लिख सकते हैं बोले, यही भाई रिपीट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 और 2 से जरा फायदा लीजिए, एन वन आई को बना रहने दीजिए, आर को भगाइए, क्योंकि आर जब जाएगा तो आई के फार्म में पूरा माहौल सेट हो जाएगा। एन वन साइन आई, राइट हैंड में कितना जी, एन टू साइन आर, और आर प्लेस पर हम रख सकते हैं 90 माइनस आई। अब आप बताइए साइन 90 माइनस आई को क्या लिख दें, लिख दीजिए एन वन साइन आई इक्वल टू एन टू कास ऑफ आई, कास आई, तो कास को इस तरफ लीजिए बोलिए, कास इस तरफ ले तो साइन आई बाई कास आई इक्वल टू एन टू बाई एन वन, और ये साइन बाई कास को क्या लिख दें, टैन आप लिख सकते हैं। अब तो आंसर समझ गए होंगे कौन सा होगा, बी की सी, सी वाला, क्योंकि टैन आई इक्वल टू एन टू बाई एन वन, एन टू बाई एन वन तो है नहीं, तो ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं, ये यहाँ सॉल्व कर दें, फिगर हटा दें क्या भाई, फिगर हटा दें।
मिरर पर एक छोटा सा ही खेलकूद बचा हुआ है, रे डायग्राम वाला। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा जाए, सी पर रखा जाए, सी और एफ के बीच में रखा जाए, एग्जैक्टली एफ पर रखा जाए, बताइए इमेज कहाँ बनेगा, कितना बड़ा बनेगा, कैसा बनेगा, है ना। ये सब चीज़ें फिगर वाली बातें हैं, तो उसको मंडे वाली क्लास में डिस्कस किया जाएगा। ये हो गया आपके लिए टैन आई इक्वल टू एन टू वाई एन वन, या पलट दीजिए आप, काट आई हो जाएगा आपके लिए एन वन बाई एन टू। तो आई कितना, काट किस तरफ भगाइए, काट इनवर्स एन वन बाई एन टू। कौन सा आंसर है भाई, सी वाला आंसर, सी। टैन के फॉर्म में लिखना होता तो क्या लिख सकते थे आप, टैन इनवर्स एन टू, ना। तो आंसर अगर बदलता है तो आप अपना समझ भी लीजिएगा, समझौता आपको लेना है। तो चलिए यहीं पर लेक्चर समाप्त हो रहा है, कल चलेगा इसके आगे, कल तो टेस्ट है आप लोगों का 12 से 3 आईआईटी और नीट वालों का, और मंडे को एज यूजुअल जैसे क्लास चलती थोड़ा ज़्यादा चल जाएगी, फिर क्लास लेने के बाद फिर टीजी पीजी वालों का टेस्ट होगा। क्लास ओवर होती है, समय समाप्त हुआ, लंबे समय तक बने रहने के लिए, पूरे लेक्चर का आनंद लेने के लिए आप सबको धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।